भोपाल न्यूज़ अपडेट्स में इस वक्त मेरे साथ वेल नोन एक्टर हैं के रैना जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका भोपाल में और भोपाल न्यूज़ अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ आया हूँ भोपाल में, और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है। सर, आपकी अगर हम बात करें तो आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें, थिएटर की बात करें, टीवी की बात करें, फिल्मों की बात करें, आपने इतने सारे मतलब इन मीडियम्स में काम किया, इतने बढ़िया रोल्स किए हैं, जिस मुकाम पे हैं इस वक्त कुछ लगता है कि कुछ और करना चाहिए या कुछ ऐसी हसरत है आपके अंदर, क्योंकि आपने इतना सारा किया हुआ है, इतने सारे मीडियम में किया हुआ है? देखिए, काम तो काफ़ी मीडियम्स में किया है, आप सही कह रही हैं, लेकिन जब तक चाह होती है ना काम करने की, जब तक ये चाह है, अभी मेरे में बहुत चाह है काम करने की, तो नेचुरली मैं चाहता हूँ कि कुछ और काम करूँ, खासकर थिएटर में कुछ और नया करूँ, फिल्म्स में कुछ नया करूँ। अभी तक तो है, अभी हिम्मत भी है, चाह भी है, जोश भी है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे जब आप मुझसे मिलेंगी तो मैं आपको अपनी नए कामों के बारे में बात करूँगा आपसे। वेब सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हैं आप? इन दिनों जो है वेब सीरीज़ जो है बहुत, अगर हम कहें तो वो सबका ध्यान आकर्षित कर रही है, लेकिन उसको लेकर भी कई बातें होती हैं कि उसमें सेंसरशिप होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फोर लेटर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जिस तरह से इंटीमेट सीन्स होते हैं, उसको लेकर कई एक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी वो थोड़ा सा उनके मन में है कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने अभी तक कोई वेब सीरीज़ की नहीं है नंबर एक, हाँ, लेकिन वेब सीरीज़ चल रही हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं वेब सीरीज़ में। डिजिटल मीडिया तो फ्यूचर है, मतलब आप कहिए परफॉर्मिंग आर्ट्स का कंटेंट थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे लोगों को, हमारे जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रख कर ही कंटेंट को बनाना चाहिए कि ये आज डिजिटल मीडिया है, यहाँ पर सेंसरशिप नहीं है। आई डोंट थिंक कि जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं काम, जो भी उसमें काम कर रहे हैं, कि एक लिबर्टी ली जाए, एक उसका एक गलत फ़ायदा उठाए और कुछ भी ऊल जलूल वो सीरीज़ में दिखा दें। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो सेंसरशिप ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह से सिनेमा में सेंसरशिप है, जिस तरह थिएटर में सेंसरशिप है, वैसे ही वेब सीरीज़ में भी सेंसरशिप होना चाहिए, और अच्छा कंटेंट लोगों को दिखाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कहेंगे, आपने इतना, आपके जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी बॉडी ऑफ वर्क जो है वो बहुत अच्छी रही है, कई सशक्त रोल रहे हैं, कई आपने इतने सारे, मतलब अगर हम कहें शोहरत हासिल की, आपकी USP क्या रही, आपके हिसाब से आपकी क्या USP रही है? बहुत मुश्किल है ये कहना कि मेरी USP क्या है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरी USP यही कि मैं एक कुछ नया हमेशा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी थिएटर का काम देखेंगे, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बाहर आया और मैंने बाहर जो काम किया, जितने एक्ट प्लेज में मैंने काम किया, जो जितने प्लेज मैंने डायरेक्ट किए हैं, वो सारे प्लेज नए हैं, जो कि पहले कभी मैंने किए नहीं है, ना ड्रामा स्कूल में ना ड्रामा स्कूल से पहले। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी USP यही है कि मैं कुछ नया अनुभव करने का हमेशा कोशिश करता हूँ, कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ, वही एक USP है। और लोगों को वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो मुझे लगता है कि देखिए, हम कम्युनिकेशन के मीडियम में हैं, और हम चाहते हैं कि कोई बात जो हमारे मन में है, जो हम सोचते हैं कि हमको लोगों के साथ साझा करनी है, तो मैं सोचता हूँ कि वो चीज़ जो मुझे लगता है कि यार यही चीज़ मुझे लोगों को बतानी चाहिए, वही मैं काम करता हूं, तो वही मेरी USP है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपने भोपाल न्यूज़ अपडेट्स को अपना समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। भोपाल न्यूज़ अपडेट को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात करूं। मुझे उम्मीद है कि आप, मैंने जो कुछ भी बात की आपको अच्छी लगेंगी और आप उसको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। We'll be right back.